नमस्कार साथियों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो कि 28 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक हैं। तो 2 अगस्त तक ये करंट अफेयर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है, मध्य प्रदेश राज्य में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी जो है वो खोल दी गई है, तो जो यूथ है उसके लिए जो है अपॉर्चुनिटी कर दी गई है इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने बैंकों को रुपए में व्यापार करने के लिए 22 देशों में वोस्ट्रो खाता जो है खोलने की अनुमति दे दी है। उन्हें कहा है कि आप वोस्ट्रो अकाउंट जो है खोलें, जिससे कि अन्य देशों के साथ भारत जो है व्यापार कर सके अपनी करेंसी में, जो कि है रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड किया है, तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। और गौरव गोगोई जो हैं, हाल ही न्यूज़ में थे। क्यों न्यूज़ में थे? गौरव गोगोई ने 26 जुलाई 2023 को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश किया था। और नेक्स्ट है, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बन चुके हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में छठा ATP टूर खिताब अटलांटा ओपन 2023 टेलर फ्रिट्स ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, SBI रिसर्च की इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अभी 5वें नंबर की है। उसके बाद है नेक्स्ट, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत पहला भारतीय शहर बेंगलुरु जो है वो बन गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह जो है किया है। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान और जापान देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर हिमालय में 600 मिलियन साल पुरानी नदी की बूंदों को जो है उसको खोजा है, उसकी खोज की है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन के मूल्यांकन के लिए CM कमांड सेंटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत में लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र राज्य जो है शीर्ष पर रहा है, तो ये महाराष्ट्र के लिए कुछ खास अच्छी बात नहीं है महाराष्ट्र के लिए। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 पदक जो हैं वो जीते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, वन लाइफ वन लीवर थीम के साथ 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो मनाया गया है। नेक्स्ट है, वायकुला रेलवे स्टेशन को UNESCO का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो है वो मिला है। इजराइल देश में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल जो है वो पास किया गया है। नेक्स्ट है, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा देकर सत्ता अपने बेटे को जो है वो सौंप दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भूटान ने संक्रामक बीमारी रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किए होंगे, और ये पूरे वीक के करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। और थैंक यू ऑल।